प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप जब कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक कर देते थे कॉलेज स्कूल वाले, कि बच्चे इन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये है, मान लो मेरा कंप्यूटर कहाँ पर है, स्कूल में या कॉलेज में या मेरी ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंटरनेट है, ये मेरा कंप्यूटर है, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने ये साइट ब्लॉक कर दी। ठीक है, मैं जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर इंटरनेट पर विजिट कर रहा था वो उन्होंने ब्लॉक कर दी। अब देखिए, कुछ फ्री प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर मींस इंटरनेट पर कुछ ऐसे फ्री सर्वर्स हैं जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए, वो आपको अपने थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करा देगा। समझिए कैसे, अब मैं इंटरनेट पर उस वेबसाइट पर नहीं गया, मैं फ्री प्रॉक्सी, मैंने गूगल में डाला फ्री प्रॉक्सी सर्वर, गूगल सर्च में डाला मैंने फ्री प्रॉक्सी सर्वर, दुनिया भर के सर्वर आ जाएंगे, किसी पर भी क्लिक किया और जिस वेबसाइट पर मैं एसेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर हो नहीं पाया, वो मैंने यहाँ पर डाली इसमें और गो पर क्लिक किया, वो मुझे अब यूं ले जाके इंटरनेट से कनेक्ट करके उस साइट को खोल देगा। समझ रहे हो, यानी पहले मैं इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था किसी साइट को खोलने के लिए, लेकिन वो ब्लॉक थी इसलिए मैं खोल नहीं पाया, तो मैं प्रॉक्सी सर्वर गूगल में डाला, बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर खुल गए, उससे कनेक्ट हुआ और उसने मुझे फिर इंटरनेट से कनेक्ट करा दिया, तो वो ब्लॉक वेबसाइट मैंने अब खोल ली बाईपास करके, इसके जरिए, प्रॉक्सी के जरिए। तो मैंने प्रॉक्सी की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको पिछली वीडियो में, कि कोई भी समथिंग समथिंग एक्टिंग ऑन समवंस बिहाफ, यानी ये एक्ट कर रही है किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, किससे, इंटरनेट से। तो ये क्या कहलाया, प्रॉक्सी सर्वर। तो जैसे आप गूगल में डालोगे फ्री प्रॉक्सी सर्वर, तो वेबसाइट इंटरनेट पे जितनी ब्लॉक वेबसाइट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, मान लीजिए पर्टिकुलर वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक है, उसको इंडिया में एक्सेस नहीं कर सकते, तो फ्री प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है जापान में हो, चाइना में हो, रूस में हो, रसिया में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, उनके लिए तो खुला है वो पर्टिकुलर वेबसाइट, ओनली इंडिया के लिए तो बंद है। तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट हो गया इंडिया से, अब ये प्रॉक्सी सर्वर अमेरिका में, ये मुझे कनेक्ट कर दिया, तो वेबसाइट खुल गई। समझ में आ गया हुआ वो आप लोगों के, फिर भी नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोकें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस पड़ा है वीडियोज़ का मेरे चैनल पर, तो आप लोग उनको भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ।